वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे इमरान का लेटेस्ट टिकटॉक एडिट्स एक और पार्ट हाजिर है। प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यार निछावर कर देना। देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बोलेंगे तेरा मेरा यार कैदी नंबर 804। अब करेंगे हम शुरू। सो 3 2 एंड स्टार्ट। आप तेरी कामयाबी सब देंगे, ये आपकी कामयाबी है। जवानी में था एक अलग रंग, देश के बाद भी एक परम ठिकाने लाया है। इमरान खान मेरे पाकिस्तान के तमाम मुफ्तियों पर भारी है, खुदा की कसम भारी है। वो बंदा जिहाद कर रहा है, कोई एक मौलवी जिहाद करके दिखाए। वो किसके लिए? मतलब सिंपल सी बात है, एक बादशाह और एक जो शहजादे वाली जिंदगी को लात मार के वो बंदा इस अवाम को शऊर देने में लगा, इस अवाम को। और वो इस अवाम की खातिर पिछले मोर देन 100 डेज से वो जेल की एक काल कोठरी में गुजार रहा है। वो जिहाद कर रहा है, वो जिहाद कर रहा है। यकीन मानो उस बंदे को इस दुनिया की किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। मैं आज भी मतलब ये बात अपने दिल से कह रही हूँ कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं क्यामत वाले दिन भी उस बंदे से। आप उनको वोट भी देंगे? वो तो होंगे नहीं, फिर किसको देंगे? ना होंगे तो बस फिर कहानी खत्म। जिगरा हो तो ऐसा यार। और वो इमरान खान कहता हूं कि इंशाल्लाह तरीके साहब की गवर्नमेंट आएगी तो पहली चीज होगी कि गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरेंगी। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? सही बात है यार। ये बंदा कहता है गुलामी ना ही करो, गुलामी की जिंदगी नहीं मिल। गुलाम वो रहता है जिसको ऊपर वाले ने ताकत ना दी हो, वो चुपचाप सह है। वो पाकिस्तान में रहता है भाई। इलेक्शन का टाइम भाई, इतना हटाया इसका तो, इतना हटाया। अगर कायदे आजम आज के दौर में होते तो वो अभी क्या कर रहे होते? वो भी किसी ना किसी केस में अंदर होते। कर लेते हैं, काटती है। ये तो खुद ही मतलब अक्ल आ गई है। वो कहते हैं कि बरसात के मौसम ईद के मौके पर शेर का गाना ही के आलम में घर से निकल आया, बोतल उठा लाया। ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, वैसे कभी कभार बच्चों के सामने गुनगुना के गा लेता हूँ। हाँ लेकिन अब मेरा ख्याल है भाभी को सुनाते होंगे आप। भाभी को सुनाता हूँ। वो किधर सुनती है हमारे घर? क्या बोला वो? वो किधर सुनती है हमारे घर? अबे भाई। अच्छा आपने पूछा है कि इमरान खान ने पिछले एक साल में क्या किया? उसने आपकी हुकूमत और पाकिस्तान के रियासती इदारों को यहाँ गिरेबान से पकड़ा हुआ है और आप इतने कमजोर हैं कि गिरेबान छुड़वाना मुश्किल है आपसे। मेरे पाकिस्तानी जिधर भी आप हैं, आज मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूं। पुरानी वीडियो है यार, लेटेस्ट वीडियो नहीं है कोई। इमरान खान अमरीकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है।
ये गलत फहमियां हैं कि बड़ी गाड़ी चला ली तो गार्ड्स इधर 10 रख लिए साथ, घड़ी पहन ली कौन रुपए की? मेरा तो जब से फोन मोबाइल फोन आया मैं तो घड़ी भी नहीं पहनता। कौन लोग हैं जो कि कौन रुपए की घड़ी पहन सकते हैं? इन चीजों से खुशी इंसान को नहीं मिलती, ना शोहरत मिलती है ना इज्जत मिलती है। जीन की पैंट के नीचे आपने पिछौरी चप्पल बड़ी पहनी है, बल्कि हमने भी पहननी शुरू कर दी। वो आपने स्टाइल था आपका या वो भी कंजूसी थी? सर साहब आपको बताओ, मैंने अपनी जिंदगी में मुझे कभी शॉपिंग का शौक नहीं था, मैं शॉपिंग कभी करता ही नहीं था। मेरी हमारी जब मैं क्रिकेट खेलता था टीम जब उतरती थी यहाँ से सिंगापुर, लड़के किधर जा रहे हैं जी? शॉपिंग करने जा रहे हैं। फिर इंग्लैंड टीम पहुंचती थी, किधर जा रहे हैं जी? शॉपिंग करने जा रहे हैं। अच्छा मैं तो शुरू से मुझे कभी शॉपिंग करने था। मुझे एक दफा किसी ने ना मुझे एक बुटीक से कहा कि अगर तुम्हारा सूट पहन लो, और क्योंकि मेरा इंटरव्यू होना था, इंटरव्यू करते हुए मेरा सूट पहन लो तो हम तुम्हें इतने सारी बुटीक से जितने भी सूट शूट ले लो। वो सूट मैं तकरीबन 20 साल वो पहने, मेरी नजर में कंजूसी क्या और खुला दिल क्या है? इंसान को अपनी जो जरूरियात है उसके मुताबिक रहना चाहिए। मैं ना मुझे कोई कपड़ों का महंगा कपड़ा पहनने का शौक है, ना मुझे कोई महंगी गाड़ियों का शौक है। एक कुरान की आयत है कि उतना पैसा रखो जितनी जरूरत है बाकी दे दो। जब हम माशरे में इतनी गुर्बत देखते हैं तो आदमी अपने ऊपर जब पैसा खर्च करता है तो सोचता है कि ये अगर मैं पैसा बचा के किसी की मदद कर दूं, किसी अस्पताल को 87 इंडिया टूर हम पहुंचे वहां बॉम्बे, पाकिस्तान का मैच था 3 डे फरीदाबाद प्रैक्टिस गेम। अब पाकिस्तान ऑल मेंट टू गो देयर, इमरान मैंने कहा नहीं तुम, मैं और तुम बॉम्बे रुकेंगे। मैं कहा वेरी गुड यार, टीम चलेगी 3 डे खेलने, मैं इमरान मैंने बॉम्बे रुका हुआ हूँ। रोज ट्रेनिंग दबा के सुबह प्रैक्टिस भी हम दोनों कर रहे हैं, रात को उनकी दोस्त शीज नो आप रही नहीं दुनिया में, परमेश्वर को वो उसके घर पार्टी हुई, पार्टी रोज होती थी। मैं क्या कभी जीने तमान आ रही, कभी रेखा आ रही है, मी बीइंग लॉरी 18 इयर्स ओल्ड मैं तो मैं रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड पूरा हफ्ता बैठा ही रहूंगा। ओ वसीम भाई रिकॉर्ड हो रहा है, ये था इमरान खान का, मेरा वसीम भाई रिकॉर्ड हो रहा है। इमरान खान क्या रही बोले बोलो बोले पर्सनालिटी ऐसी बनाई है बंदे ने यार, जब भी तो आ रहे थे मिलने बड़े-बड़े से। हाय हाय, ऐसी मोहब्बत कहाँ से लाओगे यार? बच्चा है, उंगली दिखा के बात करा, फिर मेरे को साफ कर रहा है, क्या कर रहा है, पर सलाम कर रहा भाई। यही शोएब अख्तर इमरान खान को मिला होता ना, या तो 6 महीने में वो टीम से बाहर था, बाहर नहीं होता ना, तो 6 महीने के अंदर वो दुनिया का सुप्रीम फास्ट बॉलर। इतना डिसिप्लिनेरियन है इमरान खान, वो तो आपको बर्दाश्त ना करते 6 महीने। नहीं नहीं, वही तो बनाते हैं। और जितने लड़के बने हैं ना पाकिस्तान टीम में, दुआएं दे इमरान भाई को कि इमरान भाई ने बनाया वो फोकस, वो गोल्स, वो रास्ता, वो ट्रेनिंग करने का तरीका। चुनू आप 17-16 साल की उम्र से आप घर नहीं से निकल गए हो, आपको क्या पता क्या करना दुनिया में? सही ना, आप पढ़े लिखे हो, कॉलेज आप गए हो, वही माठी से तालीम, FBA जो है जी, उसमें क्या पता जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? भाई आपको गाइडेंस से फादर फिगर सही होते हैं, यार बेटा ये गोल्स है, ये रास्ता है, ये मंजिल है, और इसके लिए ये मेहनत का तरीका है, वो किधर है? वो मैंने इस किताब में देखा, आपको नहीं मिला। एग्जैक्टली, वो किसी को भी नहीं मिला, अजहर को भी नहीं मिला, सखलैन को भी नहीं मिला, बहुत सारी लॉट जाया हुई। अब बड़े जो बड़ों को कसूर वार इसलिए नहीं ठहराता मैं, बड़ों के अपने मसले अपने मसले में फंसे हुए थे काफी, कोई टीम से बाहर हो रहा था, कोई अंदर आ रहा था, कुछ टीम टूट रही थी, कोई नहीं बन रही थी, तो उनमें जो एक फादर फिगर मैं ढूंढ रहा था, मैं एक इमरान खान ढूंढ रहा था कि यार मुझे वो करते गाइड। अगर इमरान साहब आप इमरान भाई साहब फोन करें, वो कहते हैं अगर शोएब मेरी कप्तानी में खेला होता, ये टीम मुझे दी होती तो हमने दुनिया को पढ़ के मारना था। ये शोएब अख्तर इमरान खान के अंदर नहीं था ना, चाहता था कि यार मैं होता इमरान खान के टाइम रहता, मैं इमरान खान जैसा कोई बंदा, मतलब एक सिखाने वाला होता टीचर। पर भाई वो सैल्यूट वाला सीन बड़ा इमोशनल था यार, बड़ा एक उम्मीद ही रहेगा ये लोगों के, सीध पे भी खान साहब बाहर आएंगे बाहर आएंगे बाहर आएंगे। लेकिन अभी बताऊँ सीन क्या है, अभी ये कि केस खत्म होना ऐसा है कि तू बोलेगा यार साहब, मतलब एक ये है ना, तुमने यूँ उठा के चीज़ यूँ रख दी, तेरे को इतनी गारंटी तू उठा के रख लेगा, केस को उड़ना इतना ईजी है,
पर मसला ये है कि दोबारा से कोई ना कोई दूसरा केस लगा देता है। मसला ये खान का अंदर रहना या बाहर रहना, दोनों में फायदा किसका भी वो सोच रहे हैं डालने वाले। अंदर रह के पावर उसका चल रहा है, बाहर निकाले या नहीं निकाले तो डबल हो जाएगी पावर, बाहर निकाले इसी में लोग अटके पड़े। अभी तो इमरान खान को एक और भाई पैसेज पहुँच गया कि भाई लाइन पर आ जाओ, नहीं तो सानिया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्लियर बोल दिया बड़ा आदमी कर रहा है, क्लियर बोला। ये तो धमकी दे दी एक तरह से, यार ये ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्टर की कहानी है जहाँ जा रहा है, और क्योंकि पीछे नहीं हट रहा भाई। यार मेरे को लग रहा है जब ऐसा होगा ना, लोगों को काफ़ी लोगों को पता है ऐसा हो सकता है, ठीक है होगा तो फिर देखने वाला होगा मुल्क में क्या होगा। अबे होने का ही तो इंतजार नहीं करना ना यार। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा लोगों को काफ़ी लोगों को पता है कि ऐसा हो कर सकती है, ठीक है आवाम, वो आवाम बोल रहा हूँ जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, जब मसला होगा कि अभी तक करा क्यों नहीं कर रहे हैं, मसला ये कि अभी तक करा क्यों नहीं है। नहीं वेट नहीं, इमरान खान ने बीच में एक प्रेडिक्शन दी थी कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका वाले हालात होंगे, श्रीलंका में करप्ट वाला ना, नहीं बैंक करप्ट नहीं, श्रीलंका का चक्कर ये था, एक खानदान ने पूरा का पूरा सिस्टम पे वो मैंडेट चोरी करके बैठ गया था और लोगों को कबूल नहीं था, तो वो पार्लियामेंट में सरकारी इदारों में हर जगह घुस गए, तो वो भ्रष्ट हो गई पूरी गवर्नमेंट, बैंक करप्ट हो गया था पूरा भाई। बैंक करप्ट तो वैसे ही हो गया, पर जो बैठे हुए थे ना इधारों के अंदर वो बोले तुमको तुमने वोट भी नहीं दिया तुम कैसे बैठे हो, तो उसके लिए तो ऐसे ही तो खान साहब के साथ पूरा सारी जगह से जीता हुआ है, लेकिन फिर भी तो इमरान खान यही बोल रहा है, यही बोल रहा है कि ये श्रीलंका वाला टाइम ही आएगा, इधर खुद नहीं बोल रहा कि मैं बोल रहा हूँ बाहर निकलो, बोला एक वक्त आएगा ये श्रीलंका बनेगा, पर वो कब आएगा फिर वो इमरान खान लगभग एक साल से थोड़ा दूर है जेल के अंदर, एक साल से थोड़ा दूर है अभी, अबे हो गया तकरीबन मेरे ख्याल नहीं 10-11 महीने हो रहे मेरे ख्याल से, इतने हो रहे हैं फिर भी चलो अगली ईद को पूरा लगा ले, अगली ईद को पूरा, अगली ईद को पूरा, अगली ईद को भी नहीं देखेगा तू, अगर अगर इतना दूर चलेगा 2 महीने अगली ईद में, अगली ईद में 2 महीने भाई 2 महीने रहेगा साल होने में, लेकिन यार बंदे का यार खुशखबरी वाली बात नहीं आई लोगों को, यार बंदे का चेहरा नसीब करा दो, तुम आवाज सुना दो, आवाज सुन थोड़ी सी रिकॉर्ड आ गई थी, कितने खुश हो गए थे लोग, वो AI थी, वो AI थी, नहीं जब कह रहे थे जेल में से बात करिए फिर भी वो क्या AI थी भाई, वो उसकी अपनी थोड़ी थी, लेकिन लोग बोल रहे थे कि अपनी उसकी आवाज जो इतना जैसे रता का गाना चला लेता है ना अभी, वैसे इमरान खान की ऑडियो तो मार्केट में मिलेगी है, तो मोदी जी भी गाने गाने लग जाते हैं, वो तो अलग है, सोशल मीडिया ने सोचा इमरान खान की आवाज़ तो ले नहीं सकते, इमरान खान का पैगाम AI में डाल के अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, इतना आगे चले गए थे ये तो मतलब सामने आ जाएगी, वो हो गया बजाना हो गया और क्या। अरे पर ये क्या था, ये मेरे को पता, इमरान खान ने बोला कोई ऐसा तरीका है, उन्होंने बोला AI निकला है, लोगों को तो पता है ना, अभी काफी एडवांस हो गई है यार। अरे भाई अगर आपको कोई क्योंकि अभी तो आपको पता है एक लाहौर में वाकया हुआ था, वो मैं बता रहा हूँ भावलपुर का, वो भी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मैंने को मेरे को इनका नहीं पता इमरान खान का, अभी इनके हवाले से केस में कहाँ पे कहाँ बात पूछी, तो वो अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।